केवल विषमता के आधार पर निर्माण हुई समाज व्यवस्था में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है ये मालूम इसलिए होनी चाहिए कि हमारे जो वेलफेयर प्रोग्राम जो होते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हाउसिंग के बारे में, पानी का बंटवारा होने के बारे में, ये जो योजना है पेंशन योजना होगी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होगी, वो योजना का प्लानिंग यदि करना होगा तो जाति के आधार पर यहाँ जनगणना होने की आवश्यकता है। ये वो हायर एजुकेशन प्राप्त करके देश के पॉलिसी मेकिंग धोरण तय करने की प्रक्रिया में वो अपने आप में उस तरह से समर्थ हो जाएंगे, और अगर वो पॉलिसी मेकिंग में अगर शामिल हो जाएंगे तो अपने कल्याण की, अपने विकास की योजना बनाने के लिए वो समर्थ हो जाएंगे, इसलिए उसे हायर एजुकेशन चाहिए। तो उन्होंने हायर एजुकेशन का संबंध है वो गरीबी के साथ नहीं जोड़ा था, ही वॉन्ट शेयरिंग इन द पॉलिसी मेकिंग। तो महिला रिजर्वेशन बीजेपी ने लोगों को एडमिट किया, दैट इज पोस्ट डेटेड चेक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे जड़ा पत्थर जो पूरा रोड ऑक्यूपाई किया है, तो उसके तोड़ने के बजाय उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे साथ है डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर सर, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, जो VC रह चुके हैं मुंबई विद्यापीठ के, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, और निरंतर अभी भी वो कार्य कर रहे हैं समाज जागृति का। हमारे साथ में दूसरे गेस्ट हैं हमारे पूरन मेश्राम सर, जो एक रजिस्ट्रार रहे नागपुर विद्यापीठ के, और वो भी एक्टिवली काफ़ी काम कर रहे हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जय भीम। सर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से देश में एक नरेटिव जो बना था, एक नरेटिव बना था हिंदू मुस्लिम का, और काफ़ी एग्रेसिव नरेटिव था, और अब इस नरेटिव को बदल दिया है OBC के मुद्दों ने, कास्ट सेंसस की बात चल रही है, और जो बिहार सरकार ने भी कास्ट सर्वे के जो आंकड़े जारी किए हैं उस आंकड़ों के मुताबिक जो कहा जा रहा था कि देश में या फिर बिहार में OBC की जनसंख्या जिस प्रमाण में भी मापी जाती थी उससे ज़्यादा है, 62.3% समथिंग OBC की जनसंख्या आई है, तो क्या लगता है कि देश के जो भी SC ST OBC या फिर MBC OBC जो भी लोग हैं उन्हें अगर सामाजिक न्याय देना है तो जातिगत जनगणना की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है? देखिए कि मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस वक्तव्य के लिए निमंत्रित किया। जहाँ तक जाति कास्ट सेंसस का सवाल है, 1931 से कास्ट सेंसस नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, और हमारा ये हमेशा हमारी एक मांग रही कि जाति व्यवस्था इस देश की मूलाधार व्यवस्था होने के कारण यहाँ जाति सेंसस होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जाति का निर्मूलन करने के लिए भी वो कितनी बड़ी जटिल समस्या है वो भी लोगों को मालूम होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अनइक्वल विषमता के आधार पर निर्माण हुई समाज व्यवस्था में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है ये मालूम इसलिए होनी चाहिए कि हमारे जो वेलफेयर प्रोग्राम जो होते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हाउसिंग के बारे में, पानी का बंटवारा होने के बारे में, ये जो योजना है पेंशन योजना होगी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होगी, वो योजना का प्लानिंग यदि करना होगा तो जाति के आधार पर यहाँ जनगणना होने की आवश्यकता है। ये मांग बहुत वर्षों से चली है, लेकिन अभी जो सवाल नीतीश कुमार जी ने बिहार के बारे में कास्ट सेंसस उन्होंने किया, आपने कहा कि 62.3% इज शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब OBC एंड MBC, इसके अलग जो लोग जो दूसरे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लोग हैं यदि वो भी हम पकड़ेंगे तो 85% पॉपुलेशन वो पिछड़ा वर्ग है, और सिर्फ जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में जनरल पॉपुलेशन कहा जाता है वो सिर्फ 15% है। मैं ये शुरू से ही मेरी मांग हुई है जब से मंडल कमीशन आया, और जब मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंट करने की बात जब हो गई तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है केशवानंद भारती केस का 1973 से, उनकी ये राय है कि 50% के आगे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मुझे ये कभी भी मंजूर नहीं है। अच्छा। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन का मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिजर्वेशन इन एजुकेशन की बात जो है आरक्षण, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी आबादी होने के बावजूद भी उन्हें 3%, 4%, 5% भी उनका प्रशासन में
प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि 50% की जो लक्ष्मण रेखा जो है वो नहीं माननी चाहिए। और जितना अभी मोदी जी ने कहा है कि यदि हम लोकसंख्या के आधार पर यदि हम आरक्षण देंगे तो हिंदुओं का आरक्षण हम 85% करेंगे, मोदी जी के इस ये जो बयान है उससे मैं बिल्कुल सहमत इस वास्ते नहीं हो कि 82-85% में बगैर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन सब लोग आते हैं, तो 85% इज़ नॉट होमोजीनियस। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि हिंदुइज्म इज अ मिथ इन द सेंस हिंदू इतने सेग्रीगेट हो गए हैं, हिंदू में इतना अलगतावाद है कि दे आर नॉट 85%, 85% या 80% जनरल पॉपुलेशन जो उसको कहते हैं वो एक्सेप्ट मुस्लिम्स क्रिश्चियंस सिख पारसी और बुद्धिस्ट ये छोड़कर दे आर हैविंग 22% पॉपुलेशन। 78% इज नॉन माइनॉरिटी पॉपुलेशन, नॉन रिलीजियस माइनॉरिटी पॉपुलेशन, दैट इज 78%। मैं ये चाहता हूँ कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों का अभिनंदन मैं करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आंकड़े प्रसिद्ध किए और भारतीय राजनीति को एक नए मोड़ पर लाए। अभी ये जिम्मेदारी है सरकार केंद्र सरकार की और ख़ास करके राज्य सरकार को, केंद्र सरकार ने आदेश देना चाहिए कि जरूर जल्दी से जल्दी लोकसभा चुनाव 2024 में होने के पहले कास्ट सेंसस करने में ज़्यादा दिरंगाई और जो हो गया टाइम वो नहीं होना चाहिए और एज अर्ली एज पॉसिबल कास्ट सेंसस होना चाहिए। एज अर्ली एज पॉसिबल कास्ट सेंसस होना चाहिए, सारा विपक्ष इसके लिए डिमांड कर रहा है। मेरे पास एक सोर्स है, मंडल कमीशन का 1980 का एक डाटाबेस रिपोर्ट है, इसमें यह कहा गया है कि ओबीसी की आबादी 52% जो है लेकिन ग्रुप ए में उनका शेयर केवल 16.8% है। एससी की आबादी 16.6% है लेकिन ग्रुप ए में शेयर 12.8% है। एसटी की आबादी 8.6 है, ग्रुप ए की जो जॉब्स है उसमें शेयर 5.6% है। वही जनरल की आबादी 22.8% दिखाई गई है, ये कास्ट सेंसस आने के बाद में और कम हो सकती है, उसका शेयर ग्रुप ए के जॉब्स में 64.5% है। तो इतनी डिस्पैरिटी होने के बावजूद पीएम मोदी एक रैली में कहते हैं, पूरन मेश्राम जी आपके पास आना चाहूंगा, कि देश में केवल दो जातियां हैं अमीर और गरीब, और वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कास्ट सेंसस की बात को और कह रहे हैं कि जाति के मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखो उसमें ऐसा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1942 में जो साइमन कमीशन को जो मेमोरेंडम दिया था, वो मेमोरेंडम में उन्हें बहुत बड़ा मुद्दा रखा हुआ था जिसका इस सेंसस से संबंध है। उनका ये मुद्दा ये था कि डिप्रेस क्लास जो है या वंचित वर्ग है उन्हें हायर एजुकेशन की ज़रूरत इसलिए है कि वो हायर एजुकेशन प्राप्त करके देश के पॉलिसी मेकिंग में धोरण तय करने की प्रक्रिया में वो अपने आप में उस तरह से समर्थ हो जाएंगे, और अगर वो पॉलिसी मेकिंग में अगर शामिल हो जाएंगे तो वो अपने कल्याण की अपने विकास की योजना बनाने के लिए वो समर्थ हो जाएंगे, इसलिए उसे हायर एजुकेशन चाहिए। तो उन्होंने हायर एजुकेशन का संबंध है वो गरीबी के साथ नहीं जोड़ा था, ही वॉन्ट शेयरिंग इन द पॉलिसी मेकिंग। तो ये जो जाति गणना जो हो रही ना, तो जाति गणना होने के बाद ये इतने वर्ग के एज सारी इनकी लोकसंख्या होने के बाद इनका इस देश के पॉलिसी मेकिंग में क्या शेयरिंग है, exactly. उसकी तुलनात्मक अगर तुमको अगर तुलना करनी होगी तो जब तक आप सेंसेस नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकते। हमारा कहना है कि आपने वो जो सेंसेस आपके सामने रखा हुआ है ओबीसी का इतना परसेंटेज है, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई 3 सेक्रेटरी है, आज कंपेयर करने लगे ना लोग, तो पहले उसका कोई आधार नहीं था। तो जब तक आप वो जाति गणना करोगे ऑथेंटिकली स्टेट करेंगी तब बताएंगे कि भी लोगों ओबीसी का इतना परसेंटेज है, शेयरिंग कितना है उसका सत्ता में। आज महाराष्ट्र में 19 स्टेट यूनिवर्सिटी है लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी में सेलोट्राइब विजयंटी का वाइस चांसलर नहीं है। तो इस देश के हायर एजुकेशन के व्यवस्था में तुम अनटचेबल है, तुम्हारा शेयरिंग नहीं है। आज देश में जितने भी हाईकोर्ट के जजेस है उसमें 3 शेड्यूल कास्ट के जजेस है, तो तुम्हारे न्याय व्यवस्था में तुम्हारा शेयरिंग कितना है, तो तुम्हारा ब्यूरोक्रेसी में शेयरिंग नहीं है। तो ये जो तुम्हारा धोरण तय करने के प्रक्रिया में और डिसीजन मेकिंग के प्रक्रिया में तुम्हारा शेयरिंग जो है और तुम्हारी जो लोकसंख्या है उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और जब हमको ध्यान में आएगा कि तुम्हारा हमारा शेयरिंग यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि उसकी योजना बनाएंगे कि उस आधार के ऊपर
हम लोग पॉलिसी मेकिंग हमारा उस तरह का सहभाग हो, इस दृष्टिकोण से जाति गणना की तरफ देखने की जरूरत है। मैं ऐसा कहूँगा कि जैसे बिहार ने नीतीश कुमार ने जो किया, कांग्रेस की भी सरकार है ये तुम्हारे छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में है, राजस्थान में, चलो इन स्टेट में भी एक बार जाति गणना की प्रयोग शुरू होना चाहिए, उससे केंद्र सरकार के ऊपर दबाव आएगा। और केंद्र सरकार जो चाहती ये जो कह रही है, जिसका उल्लेख डॉक्टर मुंगेकर सर ने कहा कि 50% का एम्बार्गो उन्होंने रखा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने तोड़ दिया ना। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन देकर टोटल 50% को 60% कर दिया, तो आप मुझे बताओ थी वो 50% का एम्बार्गो तुमने छोड़ दिया। अब तुमने अगर 60% कर दिया रिजर्वेशन, तो आप मुझे बताओ फिर तुमको ओबीसी को उनके लोकसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। आज कहाँ सवाल आ गया तुमको यहाँ पर गरीबी और इसका वाला? तो ये इस देश में जो है जाति के आधार पर जो समस्या खड़ी हुई, जाति के आधार पर जो विषमता खड़ी हुई, जाति के आधार पर जो भेदभाव हुआ, इस बात को नकारना चाहते हैं और इसके तरफ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके गरीबी और श्रीमंती के तरफ वो ये करना चाहते, इसलिए उन्होंने ईडब्ल्यूएस का फार्मूला किया। ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में उन्होंने एससी एसटी ओबीसी को निकाल दिया और कहा कि भाई इकोनॉमिकल आधार के ऊपर जो बैकवर्ड होगी उसको देंगे। तो एक प्रकार का आपने गरीबी के आधार पर दिया हुआ रिजर्वेशन है, जिससे उन्होंने ये सोच लिया कि एससी एसटी ओबीसी के लोग गरीब नहीं है, जो नॉन एससी एसटी ओबीसी है उनको हम लोग रिजर्वेशन दे रहे। तो इनके इनके क्या कहेंगे दिलों में और दिमाग में, इनके नीति और नियत में बिल्कुल खोट खोट खोटे, और ये नीति और नियत की जो खोट है वो जब ही एक्सपोज होगी जब लोग जाति गणना पूरे स्टेट में हो जाए और उसका कंपेरिज्म जो है पॉलिसी मेकिंग में हमारा परसेंटेज कितना है, ये जब तक लोगों के सामने जब आएंगे तब लोगों को ध्यान में आए, तब लोगों की इसमें अवेयरनेस आएगी। एक इसको बात में एक जोड़ना चाहता हूँ, जो पूरन ने अच्छी तरह से बात रखी, लेकिन मैं उससे बिल्कुल और पावरफुल उन्होंने बात अपने मुद्दे रखे, इसमें एक बात और जोड़नी चाहिए, वो आरक्षण का जो सवाल जो है वो सवाल गरीबी रेखा और गरीबी नीचे का सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो पावर शेयरिंग का सवाल है। जो कहते हैं कि अभी जो सेंसस ने आपको बताया 52% वो इंटरपोलेशन बोलते हैं कि 31 से 78 तक जो सब जो 88 तक 1989 में वीपी सिंह ने इंप्लीमेंटेशन किया वो इंटरपोलेशन, क्योंकि फिगर्स नहीं थे, तो कितना रेट ऑफ ग्रोथ कितना होगा 51 में 61 71 इसी तरह से। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का 46% है, प्लानिंग कमीशन का 44% है, लेकिन मुद्दा ये है ये जो 22% अपर कास्ट के लोगों के जो हाथ में जो 66% है वो हिंदुओं के हाथ में नहीं है, हिंदुओं में अगड़े जाति के लोग जो है उनके हाथ में, तो इट मीन्स माइनॉरिटी ऑफ द कंट्री इज कंट्रोलिंग द एंटायर सिस्टम। जैसा पुरन ने कहा इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, प्लानिंग पॉलिसी, जुडिशियरी, एजुकेशन पॉलिसी, तुम्हारा प्रेस एंड ब्रॉडकास्टिंग के बारे में देखिए, जो चैनल जरा देखिए ना, वो सबसे बड़े टोटल नेशनल टीवी, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नॉट कंट्रोल्ड बाय पुअर हिंदूज, इट इज कंट्रोल बाय अपर कास्ट हिंदूज। तो यदि कास्ट का इतना प्रभाव हिंदू समाज पे है, भारतीय समाज पे है, हिंदू धर्म छोड़ के रिलीजन छोड़कर जो दूसरे समाज लोग गए वो भी अपने जाति व्यवस्था उनके साथ मिले गए, इतना प्रभाव होने के बावजूद आप कास्ट सेंसस को मना करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपने कहा पूरन ने भी कहा आपकी नीति और नियत में खोटी है और उसको दबा देने के लिए कास्ट सेंसस की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। मैं और एक बात, लोकसभा चुनाव 2019 के कुछ आंकड़े पेश करता हूँ आपके सामने। ओबीसी की आबादी अभी जो 52% बताते हैं, उनके सांसद केवल 22% है 2019 के लोकसभा चुनाव में। एससी के 16.6% आबादी है, 15.83 क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है। एसटी को भी 8.6% आबादी है, 9.57 उनके सांसद है, लेकिन जो जनरल के सांसद है उनकी आबादी यहाँ दिखा रहे 22.8 और सांसद दिखा रहे 42%। तो ये जो महिला आरक्षण का मुद्दा संसद में आया और सभी दलों ने समर्थन भी किया उसका, तो जो बाकी के दल थे, विपक्ष के जो दल थे, उन्होंने कहा कि इसमें एससी एसटी ओबीसी का भी रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने बिल्कुल इस बात को नहीं माना और उसने जो है वो बिल को पारित कर लिया। आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं अब जिस तरह से जनरल में ये लोग अधिक सीटों पर चुन के आते हैं, तो महिलाओं में भी क्या उसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? नहीं, ये उनका क्या कहना है, पहली बात तो यह है वो उसका विरोधी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी के बारे में कुछ चर्चा नहीं की। 18 से 22 तक जो स्पेशल पार्लियामेंट का अधिवेशन जो बुलाया, उनका लोगों के पास एजेंडा एजेंडा
पहली बार आफ्टर 1952 के बाद पहली बार ऐसा अधिवेशन स्पेशल तो बहुत हो गए, लेकिन उसको एजेंडा न देने का काम मोदी सरकार ने पहली बार किया। लोगों को मालूम नहीं क्या होने वाला है पार्लियामेंट में, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो पार्लियामेंट में 6 बरस राज्यसभा में था, मुझे मालूम है ये, वो नहीं दिया। अभी उनका ही सवाल है कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा और जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तब तक ये इम्प्लीमेंटेशन लागू नहीं करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा, कास्ट सेंसस करेगा आप करेंगे ना, और ये डिली और डिली इसका डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस दोनों का महिला रिजर्वेशन करने में उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। एब्सोल्यूट देयर इज नो नथिंग, इट इज जस्ट दे कैन फिनिश विद इन 1 month रिजर्वेशन जे आउट, आई मीन औरतों के जो कास्ट सेंसस जो है, व्हाट इज देयर पॉपुलेशन। क्या होता है, मंडल आने के बाद 1989 में देश का पूरा राजनीतिक माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। 89 में मंडल आयोग का इम्प्लीमेंटेशन वीपी सिंह ने करने के बाद कमंडल यानी अयोध्या का निर्माण किया गया, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन कर गया। और ये लोग चाहते हैं कि यदि अपर कास्ट के खिलाफ 22% पॉपुलेशन जनरल जो बोलते हैं, दैट इज इसेंशियली अपर कास्ट पॉपुलेशन, नॉट ओनली ब्राह्मीण पॉपुलेशन, ब्राह्मीन्स एंड इक्विवेलेंट पॉपुलेशन, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा होंगे, यूपी में जाट होंगे, उकलेगा होंगे, ऐसे जो बहुत लोग जो है, वो जो ऑल नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब एंड नॉन ओबीसी, दैट इज अपर कास्ट एंड इंटरमीडिएट कास्ट, जो मध्यम जाति के लोग हैं, दैट इज 22% पॉपुलेशन। लेकिन 22% पॉपुलेशन यदि 42% पॉपुलेशन और तुम्हारे पार्लियामेंट की सीट्स वो खारिज करेंगे, यानी वो अपने प्रतिनिधित्व करेंगे, इसका मतलब यह है न्याय व्यवस्था की, जैसा पुरन ने कहा, उनके हाथ में है, पार्लियामेंट उनके हाथ में है, एग्जीक्यूटिव यानी कैबिनेट 2 व्यक्ति के हाथ में है सिर्फ, वो भी कैबिनेट का भी कोई मतलब है ही नहीं, कैबिनेट का मीटिंग कैसा होता है मुझे मालूम है। ये सब होने के बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि औरतों को या महिला रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कास्ट सेंसस और डिलिमिटेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 1936 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि अभी 2021 का रिजर्वेशन यानी कास्ट सेंसस उसकी शुरुआत भी नहीं की। कास्ट सेंसस करेंगे या ना करेंगे अदर, लेकिन जनरल पॉपुलेशन का भी सेंसस नहीं हो कर रही है। इसका मतलब ये है बीजेपी हरगिज नहीं चाहती है कि ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन प्राप्त किया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन होने के बाद ओबीसी महिला को भी रिजर्वेशन जो मिलेगा, द एक्सटेंट टू विच दे विल बी गेटिंग रिजर्वेशन, ये 22% 42% जो सीट कंट्रोल में रखते हैं ना, उसको कंट्रोल किया जाएगा। इस वास्ते बीजेपी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इट इज जस्ट जैसा कि क्रिप्स मिशन भारत में आने के बाद गांधी जी ने कहा था, दैट इज पोस्ट डेटेड चेक, तो महिला रिजर्वेशन बीजेपी ने लोगों को हाथ में दिया है, दैट इज पोस्ट डेटेड चेक। ये पोस्ट डेटेड चेक की बात सर ने कही। अब जिस तरह से एक नरेटिव देश में बदलने की कोशिश हो रही है कि ओबीसी के मुद्दों पर या शेड्यूल कास्ट के मुद्दों पर जो बातें हो रही है, क्या लगता है कि 2024 के चुनाव के पहले राम मंदिर का मुद्दा आएगा, हिंदुओं को फिर से जगाया जाएगा, क्या फिर से नरेटिव बीजेपी साबित करने की कोशिश करेगी? नहीं नहीं, वो तो अभी देखो उनका पॉलिटिकल एजेंडा में उनको मालूम है कि वोट प्राप्त करने का उनके पास में साधन जो है धर्म ही है। तो वो ये भी जानते हैं कि जो ओबीसी जो है आज जो बीजेपी सत्ता में है, तो उसका कारण कोई 3.5% वर्ग के आधार पे नहीं है ना। तो इस देश का जो हमको 75% जो ओबीसी बोलते, आज वो उनके साथ में है, उसमें का बड़ा वर्ग उनके साथ में, इसलिए पावर में है, और इसलिए पार्लियामेंट में वो कहते हैं कि भाई हम लोगों ने कांग्रेस ने नहीं बनाया, लेकिन हम लोगों ने ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ओबीसी कार्ड वो फेंक रहे हैं ना, वो खेल रहे ना, नहीं, लेकिन वो जहां उनको बेनिफिट में है वो खेल रहे हैं। वो ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर आपने जरूर बनाया, लेकिन ओबीसी वर्ग को सत्ता में पार्टिसिपेशन कितना दिया? तुमने शेड्यूल ट्राइब का राष्ट्रपति जरूर बनाया, लेकिन शेड्यूल ट्राइब को पार्टिसिपेशन कितना दिया पॉलिसी मेकिंग डिसीजन पावर शेयरिंग में? पावर शेयरिंग में कितना दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंबल खड़े कर रहे हो लोग, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति बनाया हमने, शेड्यूल ट्राइब हमने राष्ट्रपति बनाए, सिंबल खड़े कर रहे, पुतले जैसे खड़े करते वैसे, और इनके तरफ देखो और इनको बताया कि हम लोगों ने बनाया, कांग्रेस ने इतने साल राज किया, कुछ किया क्या उन्होंने? नहीं किया। तो ये सिंबल खड़ा करना है, और ओबीसी के नाम के ऊपर तो हिंदुइज्म जो है
जो बाबा साहब जो चाहते थे कि ओबीसी जो है वो हिंदुइज्म की अनपेड सोल्जर है, जो बाबा साहब का जो कहना है कि हिंदुइज्म के अनपेड सोल्जर है, कितना सोचा समझा बाबा साहब का जो विधान था। तो ये बात तो बीजेपी ने हेर लिया, उनको मालूम है अनपेड सोल्जर है हिंदुइज्म के, तो ट्रैप तो वो एससी एसटी को नहीं कर सकते ना, ट्रैप तो उन्हीं को करना है उनको। और जो कल तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अपने आप को हिंदू नहीं समझता था, समझे कि नहीं, वो कहते थे हमारा अलग धर्म है, हम वी आर नॉट बिलोंग टू हिंदू, समझे कि नहीं। लेकिन आज ऐसा देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में शेड्यूल ट्राइब जो है आज बीजेपी के साथ में जुड़ा हुआ है, वो हिंदुइज्म की तरफ उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज जो सारा हम लोग देख रहे हैं कि ये शेड्यूल ट्राइब वर्ग है, शेड्यूल कास्ट का कुछ अलग वर्ग जो आज भी हिंदू मेंटालिटी के साथ जुड़ा हुआ है, बुद्धिस्ट के अलावा बुद्धिज्म के अलावा, और ओबीसी में तो बड़ा तबका जो आज भी हिंदुइज्म के साथ में जुड़ा है, उनको मालूम है अगर हमें पॉलिटिकल पावर अगर हमको करना है तो ये जो इकोनॉमिकल आधार के ऊपर या जो पावर शेयरिंग के आधार के ऊपर जो ओबीसी को अलग करना चाहते हैं, हिंदुइज्म के आधार के ऊपर ही इस वर्गों को हम हमारे साथ में घेर सकते हैं, और वही आधार उनके लिए कार्ड है, दूसरा कार्ड नहीं है। और ये कार्ड वो लोग 2014 के इलेक्शन में उनके साथ दूसरा कार्ड नहीं है, इसलिए वो कार्ड वापर रहे और वो वापरेंगे। देखिए फिर मैं उसको पूरन जी को मैं दोहराना चाहता हूँ, उनका ये कहना है 1989 में मंडल का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसको विरोध करने के लिए उन्होंने अयोध्या का मुद्दा निर्माण किया, देवर एंटी रिजर्वेशनिस्ट एंटी ओबीसी, जैसा नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज ने ओबीटी का रिजर्वेशन का मामला लिया, कॉन्सेंसस का मामला लिया, तो उनको लगता है कि ये हमें कंट्रोल करने की राजनीति है। इसका मतलब ये है ओबीसी का कार्ड हम खेलेंगे, ऑपोजिशन पार्टी में नहीं खेलना चाहिए, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। क्योंकि जैसा कि पूरन ने कहा, बीजेपी को सत्ता में लाने के 2014 में और 2019 में दोनों इलेक्शन में उनको ये मालूम है उनका सत्ते पर लाने के सबसे बड़ा काम ओबीसी ने किया, एंड हिंदुत्व ये लिंक है उनको लाने के लिए। द मोमेंट यू टेक ओबीसी रिजर्वेशन, जो लिंक जो हिंदुत्व के है वो ब्रेक हो जाएगी, वो ब्रेक होना नहीं देना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है यदि ओबीसी इनसे खिलाफ हो गए, ओबीसी तो जरूर मांग करेंगे ना, ओबीसी आर डिमांडिंग कास्ट सेंसस। तो अभी जो रिलीजन ओपीएम जो मार्च करता था, तो ये समाज जो है बीजेपी और आरएसएस का समाज जो है वो ओपीएम की तरफ का हिंदुइज्म का उपयोग करना चाहते थे, और दैट वो निष्प्रभ हो जाएगा ये इनको एक साधारण चिंता है, डर है उसके कारण, डर है। और उसके कारण ये क्या करेंगे, अभी जैसा कि आपने पूछा उनका एजेंडा क्या होगा, उनके पास 1952 से पहला लोकसभा चुनाव होने के बाद बीजेपी यानी पहले संघ परिवार यानी पूरा भारतीय जनसंघ, उनके पास कोई भी आर्थिक नीति अलग नहीं थी, कोई भी फॉरेन पॉलिसी अलग नहीं थी, सिर्फ उनके पास धर्म के आधार पर राजनीति करने के सिवाय दे नेवर हैड एनी प्रोग्राम। अभी वो क्या करेंगे, जैसा कि सिंबॉलिक स्तर पर उन लोगों ने ये किया, क्या महिला रिजर्वेशन किया, उन्होंने सिंबॉलिक स्तर पर जुबानी तलाक ट्रिपल तलाक ने एबोलिश किया, ट्रिपल तलाक एबोलिश किया वो अच्छी की, लेकिन क्रिमिनलाइजेशन किया, क्रिमिनल हस्बैंड को 3 साल सजा करेंगे। अभी मुस्लिम समाज की तरफ से जो तलाक ट्रिपल तलाक जो होता है उसके एक प्रोसेस होती है, टेलीफोन पर तलाक 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 ऐसा करके नहीं, तो उनके 3 महीने के उनके लिए वो मेहनत ना जो कुछ जो 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 पैसा देना चाहिए उधार निर्वाह करने के लिए मेहर वो दिया जाता है, कंसिलेशन करने की कोशिश होती है। अभी वो क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा निर्माण करेंगे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन वो हरगिज नहीं कर सकते, लेकिन वो एंटी पॉलीगेमी यानी बहुपत्नित्व का कायदा जो है उनका वो सारा वो ऑर्डिनेंस भी निकल कर सकते, लेकिन उनका जो मुस्लिम समाज का खास करके अपीजमेंट का जो पॉलिसी कांग्रेस करती रही, देखो हमने ये किया कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, तो इनके साथ जैसा पुरन ने कहा उसी तरह रिलीजन महजब के आधार पर समाज का ध्रुवीकरण के सिवाय बीजेपी का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और ज्ञानवापी के बारे में करेंगे, वाराणसी के बारे में करेंगे, वो मथुरा के बारे में करेंगे, और लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है,
रोजगार का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, टीबी की दवाई न मिलने के कारण पेशेंट्स यहाँ मर रहे हैं, जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, सिटी का कोई पोल्यूशन हो रहा है, ये किसी भी हालत में ये जो लोगों के जो निजी सवाल है, आर्थिक सवाल है, उनसे उनको नज़रअंदाज करने के लिए, उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, उनका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ये हमेशा के लिए लोगों को रिलीजन यानी मजहब की गोलियां देकर रहेंगे। बिल्कुल, हमेशा के लिए लोगों को रिलीजन या मजहब की गोलियां देते रहेंगे। इसी सवाल पे मैं आपके पास आता हूँ कि जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने देखा, नांदेड़ में किस तरह से एक ही दिन में 34 लोगों की डेथ हुई एक अस्पताल में, और उसके डीन को जो वहाँ के सांसद थे हेमंत पाटिल, उन्होंने टॉयलेट साफ करने को लगाया, बाध्य किया, और जबकि इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार है, क्योंकि आज इतनी बड़ी घटना होने के बाद नागपुर में भी आज इस तरह की घटनाएं हुई कि लगभग 10 बच्चों की मौत हुई, नागपुर में भी हुआ है। तो इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद में देश, ये इस महाराष्ट्र के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में हैं, उनकी कोई संवेदना ही नहीं है, और जिम्मेदार प्रशासन को ठहराने के बजाय अब तक वो जो मेडिसिन थी वो नहीं दी गई या सामग्री नहीं की गई। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का नैरेटिव यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं? देखो, ये बात जो है बाबा साहब ने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो जीने का अधिकार जो लोगों को दिया है वो जनावरों जैसा जीने का अधिकार नहीं है, विद डिग्निटी, सम्मान पूर्वक जगण्याचा अधिकार। तो आप लोग जगने का अधिकार तो लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जब उनको आप आरोग्य की फैसिलिटी नहीं दोगे, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं दोगे, आप आदमी कभी भी मरेगा। अभी ये जो तुम्हारे शासकीय तुम्हारे दवाखाने हैं या हॉस्पिटल है, वहाँ लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? यानी इसका मतलब है कि आपने प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ावा दिया है कि आज देश में अनकंट्रोल अनकंट्रोल है। और स्टैटिस्टिक हेल्थ में ऐसा है कि 80% जो दलित वर्ग का, गरीब वर्ग का जो आदमी है, वो आदमी 20% फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले रहा है, और 20% जो वर्ग जो है, जो सदन है, वो 80% फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल से ले रहा है। यानी तुम्हारी सारी जो धोरण है वो हेल्थ की फैसिलिटी आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, आप 20% लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि 80% जो फैसिलिटी जो है वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले रहे हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आपने आज कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक्सरे मशीनें खराब हैं, कई कितना आप जाके देखो ना, अभी अपने नागपुर के मेडिकल कॉलेज देखो, तो ये जो गरीब जो जाके मरे हुए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके मरे नहीं है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर ऐसी इमरजेंसी पैदा हो जाएगी तो उस तरह से फैसिलिटी हमारे पास में रहना चाहिए। आपने ना तो गवर्नमेंट कॉलेज को बड़ा किया, ना गवर्नमेंट स्कूल को बड़ा किया, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बड़ा किया, क्योंकि गरीब लोग जहाँ पर जाएंगे, जहाँ उनको हेल्थ की जरूरत पड़ेगी, वहाँ उसको तुम लोगों ने बड़ा नहीं होने दिया, क्योंकि आपको प्राइवेटाइजेशन को बड़ा करना है, प्राइवेट क्लिनिक को बड़ा करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल को बड़ा करना है, ये आपका धोरण रहा है। इसलिए आपने डिलीबरेटली जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरफ ध्यान नहीं दिया, और आज जो परिस्थिति तैयार हुई है, टोटल बजट के अंदर आप हेल्थ के ऊपर कितनी प्रोविजन कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, जबकि अमेरिका के अंदर हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन बजट में की जाती है, उनकी प्रायोरिटी है। हमारे देश में आप बजट की सारी प्रोविजन देखिए, हेल्थ में और एजुकेशन में सबसे कम प्रोविजन है, जबकि वो हर आदमी के उत्थान का और जीने मरने का सबसे बड़ा साधन युवा को है, उसका सबसे कम प्रोविजन आप कर रहे हैं। तो सरकार जो है, ये सारी जो मौतें हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, और जो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की जो बात कर रहे हो, दिल्ली में बैठे इनके मौत के लिए उनको जिम्मेदार करके उनको 302 में अंदर करना चाहिए, मेरी मांग है। बिल्कुल नहीं, बहुत सर ने एग्रेसिव मांग कर दी है। एक अंतिम मुद्दे पे हम बात आएंगे कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने संविधान बदलने की बात कही, और जो बीजेपी के प्रवक्ता राम माधव, उन्होंने भी इस बात को कहा है, आपको क्या लगता है कि क्या इनका सोच क्या है, किस तरह की दिशा में जाना चाहते हैं? किसके बारे में? इसके संविधान बदलने की बात जो प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक सलाहकार जो है विवेक देबरॉय, इन्होंने की थी। सी देखिए कि विवेक देबरॉय हो, हम जानते थे कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, तो मैं भी राजीव गांधी फाउंडेशन में राजीव गांधी सेंटर फॉर कॉन्टेम्प्रेरी स्टडीज़, उनमें मैं ये इमेरिटस यानी स्पेशल फेलोशिप मुझे दी गई है। ये विवेक देबरॉय जो कहते हैं कि इनसे सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। विवेक देबरॉय इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज विवेक देबरॉय की हिम्मत नहीं होती कि प्राइम मिनिस्टर को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होने वाला आदमी
ही द चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी कमिटी, जैसे कि पहले रंगनाथन रंगराजन थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्स गवर्नर, उन्होंने दिया है ना प्रियम्बल की आवश्यकता क्या है, और सोशलिस्ट और सेक्युलर उनकी आवश्यकता क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की आवश्यकता क्या है, राज्यसभा की आवश्यकता क्या है, ये बात प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो चैनल है उसमें जो चाय देने वाला जो कोई लड़का होगा वो सेवा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन डू एवरीथिंग। वो उसका पॉलिसी डिटरमिन करेगा, पॉलिसी जो आपको ही डिटरमिन पॉलिसी करना पड़ेगा, तुम्हारा एक कोई भी मंडल होगा। दे वॉन्ट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन स्लोली। ये उन्होंने वेंकटाचलम कमेटी अपॉइंट करके वाजपेयी के कार्यकाल में देखा था, और गवई साहब ने वेंकटाचलम कमेटी का रिपोर्ट राज्यसभा में उन्हें ऐसा तोड़ दिया था। सवाल ये है कि उनका जो मॉडल है दैट इज न्यो फैसिज्म, हिटलर और मुसोलिनी ने जिस तरह का फासीवाद उनके देश में लाया उसी तरह की व्यवस्था भारत में निर्माण करने का उनका इरादा है, और वो इरादे को कैद करने वाला आगे न जाने देने वाला एक ही इंस्ट्रूमेंट ये देश में है, दैट इज़ भारतीय संविधान। यदि तुम्हारे रास्ते में कोई भी एक सबसे बड़ा पत्थर होगा, एक छोटा पत्थर होगा तुम दूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसने पूरा रास्ता ऑक्यूपाई किया है तो आगे जा ही नहीं सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे जड़ा पत्थर जो पूरा रोड ऑक्यूपाई किया है, तो उसके तोड़ने के बजाय उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दैट्स व्हाई स्लोली स्लोली विदाउट मेकिंग एनी इमीडिएट, दे आर नॉट चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन एज सच, बट दे विल इम्प्लीमेंट एवरी पॉलिसी विच विल निगेट एवरी स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, अभी जो पुरान बात कर रहे थे, दैट इज राइट टू लाइफ विद सेंस ऑफ डिग्निटी, नॉट एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ का उनका एक मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आदमी यानी इंसान को सिर्फ भूख नहीं है, उसको फ्रीडम की भूख है, उसमें आज़ादी की भूख है। जिस तरह के प्रिंट मीडिया के खिलाफ उनका रवैया है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खिलाफ है, जिस तरह क्रोनी कैपिटल का उनके पास किए प्रावधान किया है, 2014 में अदानी की प्रॉपर्टी 4 लाख करोड़ थी, अभी 14 लाख करोड़ हो गई है, यानी इतनी बड़ी, दैट इज़ कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये सब व्यवस्था बदलने का जो उनका इरादा है उनमें भारतीय संविधान सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, और ये ऑब्स्टेकल खलास करने के लिए वो कोशिश जरूर करेंगे। इस वास्ते राहुल गांधी जैसे लोग जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की 3.5-4 हज़ार किलोमीटर, उन्होंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मैंने ये कोशिश की, मैंने लोगों की हालत देखी, लेकिन मैं खुद में ही बदल गया। राहुल गांधी जी के बारे में एक बार मैं कथा सकता हूँ कि उनके मेरा संपर्क है, एक मैं बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी किसी भी हालत में अपने को लोगों के सामने लाने के लिए जो कुछ ऐसा उनको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। वॉट एवर ही इज़ डूइंग, ही इज़ डूइंग नॉट फॉर पब्लिसिटी, ही इज़ नॉट डूइंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, ही इज़ नॉट डूइंग फॉर फोटोग्राफी। उनको ये अंदर से बात आती है। उन्होंने खुद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद मैं खुद भी बदल गया हूँ। सिस्टमेटिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका जो इमेज निर्माण कर किया था वो इमेज निर्माण लोगों के मन में उनको जो कुछ जगह होगी वो जगह निर्माण नहीं होनी चाहिए, उनको लोगों की सिंपत्ति नहीं मिलनी चाहिए, लोगों के खिलाफ लोगों के मन में मोदी जी को एक नया नैरेटिव अल्टरनेटिव निर्माण नहीं होना चाहिए। उसकी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब कोशिशों के बावजूद भी राहुल गांधी जी ने एक नया अल्टरनेटिव, एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की है। इस वास्ते मोदी जी कितने भी बाहर से एग्रेसिव देखेंगे, ही इज ऑन डिफेंसिव। यस, ही इज ऑन डिफेंसिव। और बिल्कुल जो जिस तरह के मुद्दे हैं, चाहे SC ST OBCs को हो, माइनॉरिटीज को हो, उन सब मुद्दों को दरकिनार करके पुरन सर ने कहा कि लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान से जीने की जो एक संविधान ने कहा है उसको कई तार तार करने की कोशिश जो है इस सरकार में हो रही है। ऐसा ये नहीं कि इसके पहले नहीं हुआ था, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस सरकार में बहुत ज़्यादा हो रही है। सर, आप दोनों हमारे बीच में और हमसे बातचीत की, और जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आपने बहुत ही विवेकी से अपनी राय रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद धन्यवाद और दर्शकों को भी धन्यवाद हमें दोनों की तरफ से।